गौतम गंभीर भारतीय टीम की के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें नाम तो मिला पर उतनी क्रिकेट में पहचान नहीं मिल पाई इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी 2003 में बांग्लादेश के सामने डेब्यू करके और उसी साल इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू कर लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इनकी लाइफ के असली दो मूवमेंट तो आए दो के टी वर्ल्ड कप में और दो के वर्ल्ड कप में दो के टी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में सेवेंटी फाइव रन की जबरदस्त पारी खेली फिफ्टी बॉल्स में और वहीं दो के वर्ल्ड कप में इन्होंने नाइनटी रन की बहुत ही तगड़ी पारी खेली जहां एक तरफ टीम के बड़े प्लेयर्स आउट होते जा रहे थे फाइनल मैच में वहीं अपने आप को एक तरफ संभाल के टीम को एक अच्छी पोजीशन में लेकर आए पर इतनी अच्छी पारी खेलने के बावजूद भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड एम एस धोनी को मिल जाता है जिसको लेकर गंभीर हमेशा कहते आए हैं कि उन्हें इस क्रुशअल पारी के लिए कभी भी क्रेडिट नहीं मिला है वैसे गंभीर के बारे में आपको यह बात नहीं पता होगी कि उन्हें लगातार पांच टेस्ट मैचों में शतक मारा है वैसे आईपीएल में भी हजार 2012 और 14 में केकेआर को दो ट्रॉफी जिताई हैं। फिर 2018 के रिटायरमेंट के बाद इन्होंने 2019 से पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को ज्वाइन किया